लिखा हुआ है, इफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर डी घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो लिखा हुआ है कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। बोले बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्या हुआ है, बैटरी कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू अ बैटरी, जब बैटरी से कनेक्टेड रहेगा अब तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा बताओ, वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा। क्या फॉर्मूला होता हम लोगों का, क्यू इज इक्वल्स टू सी इंटू वी, सी बढ़ रहा है, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल क्या है कॉन्स्टेंट। अगर हम लोग कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो चार्ज होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो जो चार्ज स्टोर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब जो ए वाला स्टेटमेंट है वो भी ठीक लग रहा है। एनर्जी की बात करते हैं, यू इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, वी तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, पैरेलल में होगा तो पोटेंशियल नहीं बदलेगा। कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज किया जा रहा है, अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ लिखा है एनर्जी डिक्रीज होगा, गलत है, ये तो गड़बड़ हो गया। लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन द सेम, चार्ज और पोटेंशियल, पोटेंशियल तो कॉन्स्टेंट है लेकिन चार्ज बढ़ रहा है तो ये रेशियो भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो सेम तो नहीं रहेगा, इसलिए डी गड़बड़ है, ठीक है। ई वाले में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज, प्रोडक्ट क्यू इंटू वी, अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो वी तो कॉन्स्टेंट है लेकिन ये बढ़ रहा है तो पूरा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बोले बिल्कुल सही है, ई तो ठीक है। तो इसका मतलब ए ठीक है, सी ठीक है और ई ठीक है, ए सी एंड ई ओनली, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है, ठीक है। हम पहले ही बोल रहे हैं बात कि ऑप्शंस का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, तो सही आंसर क्या वो देखेंगे, तब अपने ऑप्शन में मैच करा दूंगी, ठीक है ना।